प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम का आयोजन राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के हॉल में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री व विधान परिषद सदस्य अनुप गुप्ता ने बताया कि बच्चों में आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाने वाला परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम अभिनव है। पीएम मोदी देश के समाज से जुड़े छात्रों के ग्रुपों को चुनकर सभी छात्रों के ग्रुपों से अलग अलग बात करते रहते हैं और अपने देश के लोगों के अंदर जज्बा जगाने तथा देश के छात्रों के अंदर की प्रतिभा और उसकी मेधा की हौसला अफजाई का काम करते रहते हैं। निश्चित तौर पर यह एक सफल नेतृत्वकर्ता की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता हैं जो जीवंतता और निरंतरता के साथ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मां भारती को विश्व गुरु की उपाधि पर ले जाने के लिए लगातार संकल्पित होकर के काम कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, अच्युतानंद शाही, सिद्धांतो घोष, अजय श्रीवास्तव, गजेंद्र सिंह सहित छात्र मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनुप गुप्ता एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, आज के मुख्य अतिथि महोदय को अभिनंदन करने के लिए मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी को अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन का कार्य शुरू करते हुए वर्तमान समय लग रहे हैं। अगर आपका यह प्रयास रहा है कि विद्यार्थियों, नौजवानों, युवा वर्ग से शायद
को बदलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञान वर्धक दोहन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके प्रेरक अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। तौर पर पूरे दुनिया के 38 लाख छात्र आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अभिनव प्रयोग है। अपने देश के नौनिहालों के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए, उनके मन में जो परीक्षा को लेकर के एक भय का वातावरण था, उस भय के वातावरण से उनको निकालते हुए और उनके मन में उत्साह जगाने के लिए, उनके मन में विश्वास जगाने के लिए और उनको एक परीक्षा वॉरियर ऐसे नाम दे करके एक उनकी पुस्तक आई है एग्जाम वॉरियर। उस एग्जाम वॉरियर की पुस्तक में उन्होंने उल्लेखित किया है कैसे कैसे छात्रों को इस पहलू में अपने को और आभा और कीर्ति के साथ, अपने को और तेजी के साथ आगे आने की जरूरत होती है। बहुत परेशान होकर के परीक्षाओं में जाने की जरूरत नहीं होती है। हम कई बार देखते रहे ऐसी परीक्षाओं से परेशान होकर के या मन में कुंठा लेकर के कई बार एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी कई जगहों पर देखने को मिली पिछले दिनों। ऐसे देश भर के नौनिहालों को आत्मविश्वास जगाने के लिए उनके द्वारा किया जाने वाला यह परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ये अभिनव है और माननीय प्रधानमंत्री जी का इनोवेशन, माननीय प्रधानमंत्री जी का नवोन्मेषी विचार, नए नित्य नूतन उनके मन में ऐसे ऐसे प्रयोग आते रहते हैं जिसे वो देशवासियों के अलग अलग ग्रुप को, आज छात्रों के ग्रुप को, कभी वो अन्य ग्रुपों को, बुनकर समाज से जुड़े हुए लोगों को, अलग अलग ग्रुप के लोगों को बात करते हैं और अपने देश के लोगों के लोगों का जज्बा जगाने का काम, देश के लोगों के अंदर जो मेधा है, प्रतिभा है, उसको हौसला अफजाई करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये निश्चित तौर पर एक सफल नेतृत्वकर्ता की पहचान है और एक ऐसे राजनेता की पहचान है जो जीवंतता के साथ, निरंतरता के साथ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, माँ भारती को विश्व गुरु की उपाधि पर ले जाने के लिए लगातार संकल्पित होकर के काम कर रहे हैं। हम गौरव का अनुभव करते हैं कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और हमको एक विशेष प्रकार का आत्मगौरव का भाव भी प्राप्त होता है। अद्भुत रहा। देखिए हमारे, मैं अभी इंटर कॉलेज में था, मैं देख रहा था बच्चों को कि बहुत सारी समस्याओं, बच्चे बड़े प्रेशर में रहते हैं। देखिए माता पिता का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, पड़ोसी का कि अरे हमारे लड़का बढ़िया करता, हमारे 95% 90%, वो बच्चे उस प्रेशर को नहीं है हैंडल कर पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ये करते हैं। आप ऐसे बहुत केसेस सुनते हैं, ऐसे लोगों को रिलैक्स कैसे करना, ये 7वां 8वां एडिशन है प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने ये सोच बहुत अद्भुत रखी, अंतर मन के जो जो सवाल, आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना प्रेशर लेते हो, इमेजिन करिए अपनी माँ को देखिए, घर में आपकी माँ कैसे सुबह उठती है, उसको पता है पति को ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चे का टिफिन बनाना है, फिर बच्चा आएगा, फिर पति जाएंगे, फिर बच्चा फिर दोपहर को खाएगा, फिर आएगा, बीच में टाइम मिला तो स्वेटर भी बुन लेती है, कोई क्रिएटिव काम भी कर लेती है, घर साफ भी कर लेती है, कपड़े भी धो लेती है और हंसती रहती है। और 365 दिन एक माँ काम करती है, 365 दिन कोई छुट्टी नहीं है, सबकी छुट्टी होती है, माँ की छुट्टी नहीं होती, पति की छुट्टी होती है, बच्चे की होती है, स्कूल की। लेकिन अगर अपनी माँ को ही आप लोग देख लें, क्योंकि उसने एक टाइम टेबल बनाया, अगर आप टाइम टेबल रखेंगे तो आप कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेंगे। आप सुबह उठिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पढ़िए, कोई चिंता नहीं।
आप जल्दी सो जाइए, आप अपना योग आसन करिए, करिए अध्यात्म के साथ। और उन्होंने अच्छी बात कही, संस्कार अध्यात्म को और एजुकेशन को जोड़ के चलें तो आप कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। ये एक आज बहुत अच्छी सीख दी इन्होंने, जो डिप्रेशन के बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक ही रिजल्ट खराब आता है तो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे आप बचेंगे।